क्या मैं आज आपसे उम्मीद करूं? क्या आप आज के बयान को हजारों पिछले बयानों की तरह वाज की तरह सुनकर और आमीन कहकर चले जाएंगे? अगर ये बात है तो मैं आपका भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और अपनी बीमार सेहत पर मजीद कमजोर बोझ नहीं डालना चाहता। क्या इरादा है आपका? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अगर आप में जोश है तो खड़े होकर जवाब दीजिए। क्या आप आज की बात पर अमल करने के लिए तैयार हैं? कान खोल के सुन लीजिए। कुरान मजीद हुकूमतों और इख्तदार पर कब्जा करने के लिए नहीं उतारा गया। रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हुकूमतों का तख्ता पलट कर हुकूमत और सत्ता पर काबिज होने के लिए नहीं भेजे गए। यह इल्जाम तो दुश्मन उन पर लगाते हैं। अफसोस यह है कि मुसलमानों की अक्सरियत भी अपनी जहालत की वजह से कुरान को बराह रास्त न समझने की वजह से यही मकसद समझने लगे। कौमी मकसद क्या है हम मुसलमानों का? हम मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये सामने बैठे हुए हजारों नौजवानों से पूछूं तो मुझे यकीन है इनमें से 90% लोग जवाब नहीं दे पाए। क्या मैं ये उम्मीद करूं और ये ख्वाब देखूं कि भारत के मुसलमानों को इस पूरे बसरे नस्बुल ऐन की तरफ वापसी की शुरुआत भोपाल के मुसलमानों से हुआ?